सो हेलो गाइस, वेलकम टू रियल का फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसको लेके कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होती है जब भी वो नई कार परचेस करने चाहते हैं, तो कौन सा मॉडल वैल्यू फॉर मनी है, लाइक कौन सा VFM मॉडल है। तो अभी तो हमारे पास ZXi है ब्रेजा का। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ब्रेजा का LXi लेना चाहिए चाहे VXi लेना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों के मन में रहता है कि हमें किस वेरियंट की तरफ जाना चाहिए, LXi या VXi। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपके लिए वैल्यू फॉर मनी मॉडल कौन सा हो सकता है। तो गाइस, बात करें किसी भी मॉडल को लेने से पहले या किसी भी वेरिएंट में जाने से पहले, जो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो रखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। एंड इसके साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है ऑब्वियसली वो रहता है आपका बजट। सो गाइस, अगर मैं बात करूँ, अगर आपका बजट है कि आप VXi मॉडल तक जा सकते हो, तो मेरे सजेशन में आपको VXi मॉडल ही लेना चाहिए, बिकॉज VXi मॉडल पे आपको वो एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जो कि एक लाइक नेसेसरी फीचर्स हैं। और अगर आप कभी भी आप LXi मॉडल की तरफ जाते हो और आप LXi मॉडल लेने के बाद आपको वो सारे फीचर्स आफ्टर मार्केट लगाने पड़ेंगे, और आफ्टर मार्केट चीज़ों की गारंटी ना मैं ले सकता हूँ ना आप। तो आफ्टर मार्केट आपको क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या एक्सेसरीज फिट की जा रही है आपकी कार्स में, उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। तो अगर आपका बजट अलाउ कर सकता है तो आपको VXi मॉडल ही ऑप्ट करना चाहिए, बिकॉज VXi मॉडल पे जो भी फीचर्स आपको मिल रहे हैं, जो भी ज़रूरी फीचर्स मिल रहे हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो उसके अलावा आपको और फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। गाइस, आई टोटली एग्री विद यू, बिकॉज जो LXi जो कंपनी आजकल क्या कर रही है, कंपनी LXi और VXi के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दे रही है। और आप क्या, एक नॉर्मल हर कोई सोचता है कि उस डिफरेंस जो इतना ज़्यादा डिफरेंस है उससे कम चीज़ों में हम बाहर से काम करा सकते हैं। आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट, आप करा सकते हो, बट अगर एक जेन्युइन आफ्टर मार्केट एक जेन्युइन बंदा मिलना बहुत आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। और कौन आपकी कार में किस तरह से फिटिंग कर रहा है, इसका अगर उसमें ज़रा सी भी गलती होती है तो आपकी बात सीधे वारंटी भी आ सकती है, और आपकी वारंटी भी इस केस में वॉइड हो सकती है। तो इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कभी भी किसी भी वेरिएंट को अगर चूज़ करना हो, तो आपको हमेशा उस वेरिएंट पे जाने चाहिए जिस पे आपको सारे बेसिक नेसेसरी फीचर मिल रहे हो। अदरवाइज अगर आपको ये बेसिक नेसेसरी फीचर अगर आपको LXi वेरिएंट में मिल रहे हैं, तो वेल एंड गुड, आप LXi मॉडल ले सकते हो। बट हाँ, अगर यही बेसिक फीचर्स आपको LXi मॉडल में नहीं मिल रहे और ये काम आपको आफ्टर मार्केट कराना पड़ रहा है, तो उससे बेटर है आप थोड़ा सा बजट बढ़ा के VXi की तरफ जाइए। अगर जिन लोगों का बजट का बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट है और जो अपना बजट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते, तो उनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, उन्हें LXi वेरिएंट ही लेना पड़ेगा। बट उन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी वो आफ्टर मार्केट काम कराएं, बिकॉज आफ्टर मार्केट आपको काम कराना ही पड़ेगा, बिकॉज LXi में आपको उतने फीचर्स नहीं मिलेंगे, तो आपको आफ्टर मार्केट जाना ही पड़ेगा। और अगर आपको आफ्टर मार्केट आप जा रहे हो, तो सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप आफ्टर मार्केट जहाँ से भी आप फिटिंग करा रहे हो, किसी जेन्युइन बंदे से कराएं जिसके रिव्यूज़ अच्छे हों, और जब भी आप फिटिंग कराएं तो आप हमेशा वहाँ पर प्रेजेंस रहें, आपकी प्रेजेंस में ही सारा काम होना चाहिए। और आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कोई वायर कट नहीं हो रही, और आपकी जितना भी काम हो रहा है सब जेन्युइन तरीके से हो रहा है, जेन्युइन पार्ट्स लग रहे हैं। और फिर भी इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, और अपने स्पेशली जो वारंटी वाइड होती है वो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में ज़्यादा होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके काम में आफ्टर मार्केट हो रहा है आपकी कार में काम, उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें यूज़ की जा रही है उनमें कोई वायर कट ना हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आप अगर ये चीज़ ध्यान रख रहे हैं तो आप उस केस में LXi वेरिएंट ले सकते हो। अदरवाइज मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि आप VXi वेरिएंट की तरफ जाएँ, बिकॉज VXi वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होता है। तो गाइस, मेरी तरफ से यही पॉइंट्स थे जो मैं इस ब्रेजा के वेरिएंट चूज़ करने के लिए आपको बता सकता था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव मैं आपके सामने लाता रहूँगा। अगर और आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।